अदालत के इल्जाम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जन्म जन्म के लाडले इमरान खान को नाहल करार देती है या नहीं ये तो अभी देखना बाकी है लेकिन माजी में तोहही अदालत के इल्जाम पर एक वजीर आजम समेत कई पाकिस्तानी सियासतदानों को नाहल करार दिया जा चुका है हालांकि इनमें से कुछ ने तो अदालत से माफी भी मांग ली थी सियासी शख्सियात की बात की जाए तो तीन आज़म को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए लेकिन सिर्फ एक वजी आज़म को सजा हुई जिनका नाम सैयद यूसुफ रजा गिलानी था दिलचस्प बात यह है कि यूसुफ रजा गिलानी को तोहही अदालत पर नाल करने वाले जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे जिन्हें गिलानी ने वजीर आजम बनने के बाद उनके ओहदे पर बहाल किया था चूँकि वो अपने कई साथी जजों समेत मुशर्रफ के हाथों बरतरफ हो चुके थे आला अदलिया के हाथों जिन आज़म को तोहही अदालत के नोटिस जारी हुए इनमें जुल्फ़क अली भुटो नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के नाम शामिल हैं लेकिन सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी को तोहही अदालत में सजा हुई और इसी पादाश में इन्हें वजारत उजमा से भी हाथ धोने पड़े दिलचस्प बात यह है कि यूसुफ रजा गिलानी ने अदलिया या किसी जज के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं की थी जैसी इमरान खान ने की है उन पर यह अदालती अहकाम के बावजूद का मौकफफ था कि आसिफ जरदारी को बतौर सदर इस हासिल है इसलिए वो खत नहीं लिख सकते लेकिन इमरान खान की जानब से दायर करदा दरखास्त पर इफ्तार मोहम्मद चौधरी ने फैसला देते हुए गिलानी को नाहल करार दे दिया पीपल्स पार्टी के बानी सरबरा और वजी जुल्फको के नोटिस जारी हुए थे हिजब इख्तिला के बड़े रहनम चौधरी जहूर इलाही ने दायर की थी जिसमे निशानदेही की गई की जुल्फ़ार अली भुट्टो ने पार्टी के बारे में जेर समात मामले पर जलसे आम में बात की और ये अमल तोहिन अदालत के जुमरे में आता है ताहम सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत मिलने के बाद जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ तोहहीने अदालत की दरख्वास्त पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई और मामला खत्म हो गया इस तरह जब नवाज शरीफ को तोहिन अदालत के इल्जाम में तलब किया गया तो वो वजी अजम की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में पे पेश हुए उनके वकील और सबक वजी कानून एस एम जफर ने नवाज शरीफ के मौकफ की वजाहत की जिसके बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने ये मामला निपटा दिया और मामला आगे बढ़ने की नौबत नहीं आई जुल्फार अली भुट्टो और नवाज शरीफ के बाद यूसुफ रजा गिलानी तीसरे वजी अजम हैं जिन्हें न सिर्फ अदालती अहकाम पर अमल न करने पर नोटिस जारी किए गए बल्कि

सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को अदालत की बर्खास्त की, तक की सजा सुनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें नाहल नवाज शरीफ के हमला हुआ इस कार्रवाई शुरू की और उस वक्त की जमात के तीन अरकानी को सजा सुनाई इनमें हाकी के नामवर खिलाड़ी अख्तर रसूल मायानाज टीवी मेजबान तारिक अजीज और लाहौर से ही रुकन कौमी असम्बली मियाँ मुनिर शामिल थे उन्नीस सौ निन्यानवे में नवाज शरीफ के के खात्मे के बाद ये मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सजा की वजह से पार्लियम के खिलाफ बयान देने पर अदालत के कानून की गिरफ्त में आए सबक वफाक वजी दानियाल अजीज की जानब ऐसी सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में गुफ्तू आरोप इन अदालत की बर्खास्तगी तक सजा सुनाई गयी और इसके साथ ही वो आम इंत में हिस्सा लेने के अहल भी न रहे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी के अदलिया के बारे में बयान पर अस खुद नोटिस लिया और इन्हें भी तोहिन अदालत का मर्तकब करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी को एक माह कैद और पचास हजार जुर्माने की सजा सुनाई हालांकि उन्होंने माफी मांग ली थी लेकिन इसे कबूल नहीं किया इस तरह निहाल हाशमी भी और सरकारी ओहदे के के लिए नहीं रहे 2008 में में कायम होने वाली पीपल्स पार्टी हुकूमत भी गेट के बारे में अदालती कार्रवाई पर तो आमेज तबसरे पर उस वक्त के उजरा को तोहहीने अदालत के शोकाज नोटिस जारी हुए इन उजरा में बाबर आशीक कवान सैयद खुर्शी शाह और कमर कायरा शामिल थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रूबरू इस पर कार्रवाई में कोई पेशरफ हो सकी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मिया साब निसार के बारे में बयान देने पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली की सरबाही में फुल बेंच के सामने दाखिला के खिलाफ तोहालत की कार्रवाई लेकिन इकबाल ने गैर मशरूत माफी मांग ली इस तीन रुकनी फुल बेंच ने पंजाब के सरहदी जिला कसूर में अदलिया मुखालिफ रैली निकालने पर रुकन कौमी असम्बली शेख वसीम अख्तर को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के

इस पर एक वकील ने तोहिन अदालत की दरख्वास्त दायर की जिसमें बेनजीर ख्वाजा तारिक रहीबीना के अहम को फरीक बनाया गया लेकिन कई बर्स ये दरख्वास्त जेर समात रहने के बाद गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी गई पीपल्स पार्टी की क्यादत के खिलाफ तोहीन अदालत के लिए अदालत से रुझू करने वाले जाने माने वकील एम डी ताहिर को खुद भी तोहन अदालत के के केस में जेल जाना पड़ा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस इफ्तार ने एक दरख्वास की समाधत के दौरान ताहिर को अदालत के इल्ज़ाम में सजा सुना दी और इन्हें जेल भेज दिया लाहौर हाई कोर्ट बार के उस वक्त के सदर हाफिज अंसारी ने एम डी ताहिर की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जिसके बाद इन्हें रिहाई मिली वुकला तहरीक के नतीजे में चीफ जस्टिस इफ्तार मोहम्मद चौधरी के पर बहाली के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आला अदलिया के इन जजों को अदालत के नोटिस जारी किए जिन्होंने 3 नवंबर 2007 को फौजी सदर जनरल की तरफ से हंगामी हालत के ऐलान के बाद पीसीओ के तहत हलफ उठाया था इन जजों में पीसीओ के तहत हलफ उठाने वाले चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद जोगर भी शामिल थे तोहही अदालत के नोटिस के बाद आला के जजेज ने अपने इस्तीफा दे दिया जिसकी वजह से इन जजों के खिलाफ तोहनी अदालत की कार्रवाई न हो सकी। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो ऐसी बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसू हो जाएगा